यूपीएससी का रिजल्ट इस समय सारी वेबसाइट्स पर मौजूद है, आप देख लीजिए। उन्होंने सिर्फ 829 नाम केंद्र सरकार को भेजे, 829, तो 927 की नियुक्ति होनी थी और उन्होंने 829 नाम भेजे। अब इसके बाद क्या किया उन्होंने कि 182 लोगों की एक रिजर्व लिस्ट साथ में भेज दी, जिसमें 91 जनरल कैटेगरी में और बाकी अलग अलग कैटेगरीज में 71 ओबीसी, इस तरह से कैटेगरीज में बांट के जितने कैटेगरीज के कैंडिडेट उतने जनरल कैंडिडेट की एक अलग से लिस्ट भेज दी और इसके साथ लिख दिया कि ये लिस्ट जो है ये गोपनीय रहेगी। तो एक गोपनीय लिस्ट साथ में भेज दी और 829 कैंडिडेट के नाम उन्होंने केंद्र सरकार को भेज दिया। 829 लोगों को तो पता चल गया कि हमारा सिलेक्शन हो गया है। अब जो बाकी लोगों का 98 लोगों का सिलेक्शन होना है उसके बारे में यूपीएससी नहीं बता रहा है कि कितने किन किन में से किन लोगों का सिलेक्शन होगा। नमस्ते दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ मुझे शेयर करनी है और सबसे पहले तो आप मुझे ये कंफर्म कर दें कि आप ऑडियो सही सही देख पा रहे हैं और ऑडियो संबंधी कोई दिक्कत तो आपको नहीं है, ठीक है, ओके। मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो देख पा रहे हैं और ये वीडियो जो है वो जो यूपीएससी का इस बीच बहुत चर्चित सिविल सर्विस का जो स्कैम है, आज की बातचीत उसी बारे में होगी। पिछली बार जब हमने इस बारे में बात की थी उसके बाद से बहुत कुछ हो चुका है, नए डेवलपमेंट्स हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि वो नए डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर किए जाने चाहिए कि इस बीच में क्या क्या हो चुका है, कहाँ कहाँ चीज़ें हुई हैं, सरकार के स्तर पर क्या हुआ है, विभिन्न राजनीतिक दलों के स्तर पर क्या हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं एक रैपअप दे रहा हूँ कि ये घोटाला क्या है और किस तरह से इसकी चर्चा हुई है। देखिए, यूपीएससी जो है वो इस देश में ब्यूरोक्रेसी जो है, जो नौकरशाही है, बड़े अफसर चुनने की एक संवैधानिक संस्था है। यूपीएससी किसी पार्लियामेंट के एक्ट से नहीं बनी है, कोई गवर्नमेंट ऑर्डर से नहीं बनी है, इसका प्रावधान संविधान के अंदर है और संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है कि उसका गठन कैसे होगा, उसके क्या अधिकार होंगे, उसके पदाधिकारियों को किस तरह से हटाया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा, सारी बातें संविधान में वर्णित हैं। इसको आप लोग देख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग निकालिए तो यूपीएससी से रिलेटेड आप एक पूरा जो चैप्टर है आप उसको पढ़ सकते हैं। यूपीएससी जो है वो चूंकि केंद्र सरकार के अधिकारियों को चुनने की सबसे बड़ी संस्था है, तो इसका असर जो है वो राज्य लोक सेवा आयोगों पर भी पड़ता है। इवन रेलवे के जो नियुक्ति बोर्ड है, इन सब की पॉलिसीज का एक जो सेंटर पॉइंट है वो यूपीएससी है। तो यूपीएससी में अगर कुछ होता है तो इससे उन सारे लोगों को वास्ता होना चाहिए जो किसी भी तरह की सरकारी नौकरी करते हैं, और ये बहुत बड़ी संख्या है। भारत में इस समय लगभग 1,60,00,000 सरकारी कर्मचारी हैं, अलग अलग तरह से राज्य सरकारों में, केंद्र सरकारों में, स्थानीय निकायों में मिला के। तो 1,60,00,000 मतलब आप समझिए कि परिवारों का अगर हिसाब लें तो सीधे सीधे 5 करोड़ लोगों का मामला है, और उनसे जुड़े हुए अगर मामलों का देखें तो ये बहुत बड़ी आबादी का मामला है। जैसा मैंने आपको बताया कि यूपीएससी की जो पॉलिसीज़ हैं वो राज्यों में लोक सेवा आयोग और विभिन्न और जो निकाय हैं उनकी भी पॉलिसी बनती है, तो इसलिए हम सब लोगों को इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि यूपीएससी जो है वो किस तरह की पॉलिसी बनाता है, किस तरह से नियुक्तियां करता है। तो मैंने अपनी चर्चा के पहले हिस्से में आपको बताया कि यूपीएससी में जो कुछ हो रहा है उससे आप सबका वास्ता क्यों है। आप अपने आसपास देखेंगे इतने सारे लोग परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, राज्य की सेवाओं की परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं, एसएससी की तैयारियां कर रहे हैं, राज्यों के जो लोक सेवा आयोग है उनकी तैयारियां कर रहे हैं, वो सारे लोग दरअसल यूपीएससी की पॉलिसीज से उनके जीवन पर असर पड़ता है। अब इसके बाद मैं सीधे सीधे अपनी चर्चा का जो दूसरा खंड है उस पर आऊँगा कि ये यूपीएससी का घोटाला क्या है। यूपीएससी ने इस बार जो रिजल्ट दिया वो एक केंद्र सरकार के निर्देश के बाद दिया। केंद्र सरकार का निर्देश क्या था कि हमें 927 ऑफिसर्स की एक लिस्ट भेजिए जिनको कि हम अपने यहाँ नियुक्त करेंगे। केंद्र सरकार ने बहुत स्पष्ट तौर पर यह बता दिया कि हमको इसमें आईएएस इतने चाहिए, आईपीएस इतने चाहिए, IRS इतने चाहिए, IRS नहीं IFS इतने चाहिए, ग्रुप ए के इतने ऑफिसर चाहिए, ग्रुप बी के इतने ऑफिसर चाहिए, और अलग अलग कोटा कैटेगरीज के भी हमें कितने लोग चाहिए। इसकी उन्होंने एक टोटल कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट भेज दी 927 लोगों की। अच्छा, जो एक
ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक पारदर्शी संस्था है, वो क्या करती है कि 927 लोगों को सेलेक्ट करती है और उसकी लिस्ट केंद्र सरकार को भेज देती है कि आप इनको नियुक्त करें। लेकिन यूपीएससी ने ऐसा नहीं किया। यूपीएससी का रिजल्ट इस समय सारी वेबसाइट्स पर मौजूद है, आप देख लीजिए। उन्होंने सिर्फ 829 नाम केंद्र सरकार को भेजे, 829, तो 927 की नियुक्ति होनी थी और उन्होंने 829 नाम भेजे। अब इसके बाद क्या किया उन्होंने कि 182 लोगों की एक रिजर्व लिस्ट साथ में भेज दी, जिसमें 91 जनरल कैटेगरी में और बाकी अलग अलग कैटेगरीज में 71 ओबीसी, इस तरह से कैटेगरीज में बांट के जितने कैटेगरीज के कैंडिडेट उतने जनरल कैंडिडेट की एक अलग से लिस्ट भेज दी और इसके साथ लिख दिया कि ये लिस्ट जो है ये गोपनीय रहेगी। तो एक गोपनीय लिस्ट साथ में भेज दी और 829 कैंडिडेट के नाम उन्होंने केंद्र सरकार को भेज दिया। 829 लोगों को तो पता चल गया कि हमारा सिलेक्शन हो गया है। अब जो बाकी लोगों का 98 लोगों का सिलेक्शन होना है उसके बारे में यूपीएससी नहीं बता रहा है कि कितने किन किन में से किन लोगों का सिलेक्शन होगा। अब जब इसके बाद बहुत बड़ा हंगामा मचा, आप देखिए कि जब यूपीएससी स्कैम का एक हैशटैग चला तो उसमें 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने ट्वीट किया। ये बहुत बड़ी संख्या है, ट्विटर में आमतौर पर किसी भी हैशटैग पर इतने ट्रेंड नहीं होते। और इसके बाद ट्विटर पर लगातार जैसे आप यूपीएससी घोटाला, यूपीएससी चोर है, यूपीएससी स्टॉप गिविंग, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे हैशटैग्स और भी चले, लगभग 7 हैशटैग और लगभग आप 10 लाख ट्वीट इस पर हो चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा इशू बन गया है इसके बाद। लेकिन अब ये जो घोटाला का पार्ट है, ये क्या घोटाला है इस पर मैं आगे बताऊंगा, लेकिन इससे पहले अब देखते हैं कि यूपीएससी ने स्पष्टीकरण क्या दिया। यूपीएससी ने अपने स्पष्टीकरण में जो उन्होंने भारत सरकार की वेबसाइट पर डाला, ये बताया कि एक पहली बार कि ये प्रक्रिया दशकों से चल रही है, डिकेड्स से चल रही है, इसलिए आप इस पर प्रश्न नहीं उठाइए, कोई नई चीज़ नहीं है, पहली बार। दूसरा उन्होंने कहा कि गोपनीय लिस्ट हम बनाते हैं और ये हमारे नियमों के तहत है, हमारे बनाए हुए नियमों के तहत है। तीसरी बात कि ये लिस्ट गोपनीय इसलिए रहेगी ताकि इससे एसटीएससी और एससीएसटी एंड ओबीसी को फ़ायदा हो और ये इसी तरह से चलेगी, ये इनका पहला स्पष्टीकरण था। तो इस स्पष्टीकरण के बाद और हंगामा मचा कि ये क्या बात है, दुनिया में ये कहाँ होता है कि आप जो पास हुए हैं, जो सेलेक्ट हुए हैं, उनके रिजल्ट गोपनीय रखे जाएंगे। ये किस देश में होता होगा किसी लोक सेवा आयोग में, मैंने तो कई जगह का इस बीच में स्टडी भी की, कहीं पर भी क्या ये होता है कि आप रिटर्न और इंटरव्यू के नंबर नहीं आप डालें, बोले कि 15 दिन बाद डालेंगे। क्यों भाई, जब आपके रिजल्ट तैयार हो जाए तभी आप रिजल्ट दीजिए। ये पहले क्या है कि पहले आपने लिस्ट दे दी और बाद में बताएंगे कि किसी को रिटर्न और इंटरव्यू में कितने नंबर आ रहे हैं। तो ये क्या मामला है, ये मतलब आप ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं है। लोगों ने इसको लेकर RTI डाला तो उन्होंने कहा नहीं, ये हम गोपनीय रखते हैं, और गोपनीय रखना जो वो हमारे ही बनाए हुए नियमों के तहत है, हमने तय किया है कि गोपनीय रखना है। और सबसे हास्यास्पद ये कि इससे SC ST OBC को फ़ायदा होगा। भाई आप हमारे फायदे का काम कर रहे हैं, लेकिन हम तो आपसे ट्रांसपेरेंसी मांग रहे हैं, हम तो ये चाह रहे हैं कि आपने जो 829 लोगों की लिस्ट बनाई उनका बताइए कि उनको रिटर्न और इंटरव्यू में कितने नंबर आए। इस समय दुनिया के कोई भी आदमी नहीं बता सकता है कि उन 829 लोगों को कितने नंबर आए हैं, वो सेलेक्ट हो चुके हैं। जिनको जो सेलेक्ट नहीं हुए उनका भी नंबर नहीं मालूम, और जो 182 रिजर्व का एक लिस्ट बनाई उन्होंने उसके नंबर और उनके नाम किसी को नहीं मालूम। तो इतना छिप कर क्या, कैसे आप काम कर रहे हैं, मतलब क्या छिपाना है, मतलब आपको एक 927 लोगों की एक लिस्ट भेजनी है, उसके लिए आपने इंटरव्यू लिया, एग्जाम लिया, रिटर्न आपके पास रिजल्ट मौजूद है, आप सीधे सीधे लिस्ट क्यों नहीं भेज रहे हैं, आप ये क्या कर रहे हैं। अब ये जो इस तरह से पूरा जो इसको लेकर, देखिए इसके बाद क्या हुआ कि पूरे इंटेलेक्चुअल सर्किल में और बहुत सारे लोगों ने इसको लेकर विवाद शुरू हो गया और अखबारों ने इस पर खबर छापी। खबर क्या भी बहुत हास्यास्पद है, जब UPSC घोटाले की चर्चा हुई तब किसी चैनल ने कोई खबर नहीं छापी, तब किसी बड़ी वेबसाइट ने कोई खबर नहीं छापी, लेकिन अब जब हंगामा इतना बड़ा हो गया तो UPSC को स्पष्टीकरण देना पड़ा। स्पष्टीकरण की खबर हर अखबार में छपी, लगभग हर वेबसाइट में छपी कि कोई घोटाला नहीं हुआ है। अरे भाई पहले बताओ तो कि किस घोटाले का आरोप है, खबर छप गई कि कोई घोटाला नहीं हुआ है। ये क्या तरीका है, आप इस तरह से कैसे काम कर सकते हैं। मीडिया भी बहुत हास्यास्पद तरीके से इसमें काम कर रहा है, वो ये नहीं बता रहा है घोटाला क्या है, आरोप क्या है, वो सिर्फ सफाई छाप रहा है कि कोई घोटाला नहीं हुआ है। तो ये जो पूरा 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 एक पर्दे के पीछे आप
इसको आप किसी गवर्नमेंट मतलब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूछ रहे हो आप उनको नहीं बता रहे हैं, आप जो आयोग हैं वो पिछड़ा वर्ग आयोग, एससी आयोग, ये सब भी तो उतनी ही संवैधानिक संस्था है जितनी संवैधानिक संस्था यूपीएससी है, बराबर अधिकार हैं दोनों के। इसके बावजूद आप उन आयोगों को भी नहीं बता रहे हैं कि आप ये कौन सा गोपनीय लिस्ट रख रहे हैं, तो इतना छुप छुपा कर आप क्यों काम कर रहे हैं। तो ये असल में इसको लेकर पहला ये यहाँ पर एक डिबेट का एक पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट, इसके बाद क्या होता है कि यूपीएससी ने एक अपनी वेबसाइट पर डाला कि कट ऑफ क्या है, जब इतना दबाव पड़ा तो उसके बाद उन्होंने हर कैटेगरी का कट ऑफ डाल दिया। कट ऑफ से एक और स्कैम का पता चला कि ईडब्ल्यूएस का जो कैंडिडेट है वो रिटर्न में ओबीसी ही नहीं एससी और एसटी से भी कम नंबर पा रहा है, लेकिन फाइनल रिजल्ट में वो एससी और एसटी से ऊपर हो जा रहा है। तो इसका मतलब तो सीधा सीधा है कि आपने इंटरव्यू में उनको ज़्यादा नंबर दे दिया है। तो ये वो घोटाला है जो भारत की कई यूनिवर्सिटीज़ में होता है और इसके बारे में बहुत खबरें छप चुकी हैं अलग अलग जगहों पर, आप JNU से लेकर तमाम जगहों पर RTI से आप आंकड़े निकाल कर देखा गया तो ये हुआ कि SST के कैंडिडेट्स को रिटर्न में जो मतलब बहुत अच्छा नंबर भी लाएगा वो जो टॉप भी हो सकता है, लेकिन उसको इंटरव्यू में कम नंबर दिया जाएगा। ये एक स्कैम यूनिवर्सिटीज़ में लंबे समय तक चलता है, लेकिन हमें लग रहा था कम से कम UPSC ये नहीं कर रहा होगा, एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन इससे तो पता चला कि UPSC ने भी ये किया। इसके बाद हंगामा बढ़ गया है, इसके बाद जो पूरा डिबेट है ये और सघन हो गया, और इसके बाद खास करके तमिलनाडु में से इसकी आवाज़ आती है। वहाँ की प्रमुख विपक्षी पार्टी जो अच्छी खासी मतलब जो मतलब लंबे समय तक जिसने तमिलनाडु राज किया है, उस पार्टी ने DMK ने इस मामले को उठाया और स्टालिन और कनिमोझी दोनों ने कहा कि ये EWS का जो रिजर्वेशन है ये बहुत बड़ा स्कैम है और EWS आरक्षण खत्म होना चाहिए, क्योंकि आपने EWS आरक्षण जो दिया एक तो वो संवैधानिक नहीं है, आपने Article 16(4) के तहत उसका प्रावधान नहीं है, और इसको करने के लिए आपने Article 16(4) बदल दिया, और इसके बाद 48 घंटे में बिना पार्लियामेंट की बहस के उसको पास करवा दिया, पार्टियों को रिएक्ट करने का मौका तक नहीं दिया, जबकि अंडर रिप्रेजेंटेशन एक शर्त होनी चाहिए, अंडर रिप्रेजेंटेशन इनका नहीं है, सामाजिक रूप से ये पिछड़े नहीं हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े नहीं है, ना इन्होंने छुआछूत झेली है, ना ये आदिवासी हैं। तो किसी भी संवैधानिक शर्त को पूरा नहीं करने के बावजूद आपने EWS आरक्षण दे दिया और OBC के बराबर उनकी इनकम लिमिट तय कर दी। तो 800,000 पर EWS और 800,000 पर OBC और OBC से खराब रिजल्ट। तो ये इसका मतलब जो गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था और बहुत विद्वान था वाली जो कहानी थी वो गलत साबित हुई। 800,000 से कम पाने वाला एक OBC का कैंडिडेट एवरेज ज़्यादा नंबर पा रहा है EWS के एक कैंडिडेट से। तो ये इसके बाद बहुत सारे और कई सारे नेताओं ने और इन लोगों ने भी इसके बारे में टिप्पणी की कि ये जो EWS आरक्षण है ये अपने आप में एक स्कैम है। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट ने एक ये किया कि जो EWS आरक्षण को जो सवर्ण आरक्षण है इसको 5 जजों की बेंच को शामिल कर दिया जाए। तो इस पर एक सवाल आया कि जो जब जिस समय आमतौर पर जो किसी आरक्षण को क्वेश्चन किया जाता है तो इसके बाद व्यवस्था ये होती है कि उस आरक्षण को तब तक लागू नहीं किया जाता जब तक आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। इसी वजह से 1990 में मंडल कमीशन की घोषणा होती है और 1993 में जाकर लागू होता है। तो ये 3 साल का इंतजार सिर्फ इसलिए था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया इंदिरा साहनी में। यही 2006 में हुआ जब उच्च शिक्षा में OBC आरक्षण लागू हुआ, जब अर्जुन सिंह ने लागू किया HRD मिनिस्टर ने, तो 2 साल उसको लेकर मुकदमा चला और जब फैसला आया तब जाकर लागू हुआ। EWS आरक्षण जो सवर्ण आरक्षण है ये भारत का पहला आरक्षण है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बगैर लागू हो रहा है, और इसको लेकर मतलब जिसके लिए मैंने वर्ड यूज किया कि मतलब खुजली मची हुई है कि इसको जल्दी से जल्दी लागू कर दो, मतलब आश्चर्यजनक तेजी से इसको लागू किया गया। तो ये स्कैम का एक दूसरा और नया पहलू सामने आ गया कि आप SC ST OBC के कैंडिडेट्स को जानबूझकर कम नंबर देते हैं, इसलिए आप नहीं चाहते हैं कि सारे नंबर सार्वजनिक हों, सारे नंबर सब लोग देख सकें। इसमें आपको डर इसलिए लगता है क्योंकि आपका फिर तुरंत खुल जाएगा कि रिटर्न में जिनका बहुत अच्छा नंबर आया था उनको आपने इंटरव्यू में लगातार कम नंबर दिया, और इंटरव्यू बोर्ड में कौन होता है ये भी आप नहीं बताते हैं, उसमें सामाजिक विविधता है या नहीं, SC ST OBC का कोई है कि नहीं एक इंटरव्यू बोर्ड में, ये भी आप नहीं बताते हैं। तो इतनी सारी गोपनीयता के साथ आप जिस संस्था को चला रहे हैं जाहिर है कि वो संस्था एक करप्ट संस्था है, वो संस्था एक भ्रष्ट संस्था है, और इसको लेकर लगातार आप ये भी कर रहे हैं कि आप जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है उनको आप उनका बता ही नहीं रहे कि उनका नहीं हुआ है ताकि वो कोर्ट ना जा सकें, क्योंकि अगर मुझे पता चल गया कि मैं रिजर्व लिस्ट में हूँ और मुझे सेलेक्ट नहीं किया जा रहा, गलत तरीके से सेलेक्ट नहीं किया जा रहा, तब मैं कोर्ट चला जाऊँगा। तो आप इसकी संभावना को छिपाने बचाने के लिए भी
आपने इस आशंका से बचने के लिए भी आपने उनके नाम पब्लिक नहीं किए। जैसे इस समय आप सिविल सर्विस के एग्जाम देने वाले किसी भी आदमी से पूछिए, हर कैंडिडेट इस बात इस सच को जानता है कि इस समय किसी का रिटर्न और इंटरव्यू का नंबर किसी के पास नहीं है। जो रिजर्व लिस्ट में 182 कैंडिडेट हैं उनके नाम कोई नहीं जानता है। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो कहाँ कमज़ोर रह गए, इसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं। तो ये पूरा जो षड्यंत्र है इसके खिलाफ एक व्यापक इस समय नाराज़गी है, और ये नाराज़गी बिल्कुल वाजिब है, और ये मामला निश्चित रूप से बहुत बड़ा बनने वाला है। क्योंकि आप समझिए कि 10 लाख के आसपास लोग सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं, उसमें 3-3.5 लाख के आसपास बाद में अपीयर होते हैं, और फिर छंटते छंटते वो लास्ट में कभी 800 कभी 900 इस तरह के कैंडिडेट चुने जाते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है ये बहुत ज़्यादा संदेह पैदा कर रही है, बहुत ज़्यादा शक पैदा कर रही है। और UPSC की जो दो सफाई आई है, दूसरी सफाई जो उनको उन्होंने दी कि EWS का नंबर कम क्यों आ रहा है और उनको इंटरव्यू में ज़्यादा नंबर क्यों दिए जा रहे हैं, इस पर वो स्पष्टीकरण देते हैं कि इससे SC ST और OBC को क्या फ़र्क पड़ता है। ये स्पष्टीकरण है, आप पढ़ लीजिए, ये स्पष्टीकरण UPSC का है कि EWS को कितना नंबर आ रहा है इससे SC ST और OBC को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए आप इस बारे में कृपया ना बोलें। और ये विभिन्न कारणों से हो सकता है कि सवर्ण कैंडिडेट को नंबर कम आ रहे हैं, और उनको विभिन्न कारणों से हो सकता है कि उनको इंटरव्यू में ज़्यादा नंबर दिए जा रहे हैं। तो ये जो दोनों स्पष्टीकरण है UPSC का, उसने जितना बताया है उससे बहुत ज़्यादा छिपाया है। इसमें बहुत स्पष्ट रूप से करप्शन होता हुआ दिख रहा है। और देखिए, बच्चे या स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़िंदगी लगा देते हैं, ज़िंदगी खपा देते हैं, और उनको ये जानने का तो अधिकार है ही है कि, और वो तुरंत जानने का अधिकार है, रिजल्ट आने के दिन जानने का अधिकार है कि उनको कितने नंबर आए हैं, रिटर्न में वो कमज़ोर रह गए या इंटरव्यू में कम रह गए, कहाँ ज़्यादा मेहनत करनी है। उनको आप इस तरह से अंधेरे में नहीं डाल सकते हैं। और 182 कैंडिडेट जो SC ST OBC के हैं उसमें 91 उनको और बाकी 91 के जो इवन जनरल कैंडिडेट हैं उनको क्यों नहीं पता होना चाहिए कि हमारा नाम इस लिस्ट में है। आप वेटिंग लिस्ट में आप नाम डालते हैं तो बताते हैं, हर जगह बताते हैं, हर सिस्टम में बताते हैं कि वेटिंग लिस्ट में किनका नाम है। आप आज जाके देख लीजिए UPSC साइट में, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, जो भी कहते हैं कि भाई ये बात आरोप गलत है वो जाकर देख लें कि वो हमें बता दें 182 कैंडिडेट कौन है, UPSC क्यों नहीं बता रहा है। और UPSC बता रहा है कि इनको हम ऑप्शन देते हैं कि वो अच्छी सर्विस चुने, वे अच्छी सर्विस चुनने के लिए उनको वो एक OBC की या SC ST की सीट वो नीचे से वो छीन ले। आपने उसको इस स्थिति में डाल दिया है कि अच्छी सर्विस चाहिए तो आप OBC कोटे के अंदर जाओ। भाई आप 90 इससे पहले जो व्यवस्था चल रही थी उसमें क्या दिक्कत थी? और ये सारे नियम तो आपने बनाए हैं। गोपनीयता का नियम कोई संविधान से थोड़ी आ रहा है, ना पार्लियामेंट से आ रहा है, ना सुप्रीम कोर्ट से आ रहा है। आपने तय कर लिया है कि गोपनीयता रखनी है, फिर क्यों गोपनीयता रखनी है, आप क्या छिपा रहे हैं यही बता दीजिए। तो UPSC निश्चित रूप से एक बहुत ही करप्ट प्रैक्टिस इस समय चला रहा है। इसका असर देखिए राज्यों पर भी पड़ता है, राज्यों में भी जो लोग सर्विस दे रहे हैं वो लोग भी निश्चित रूप से इसी तरह का कोई ना कोई करप्शन झेल रहे हैं। जैसे UP में इस समय आरोप है कि जो 69,000 शिक्षकों की भर्तियां हैं उसमें भी अपर कास्ट के लिए 51% सीटें रिजर्व कर दी गई हैं। तो UPSC जो कर रहा है उसका एक बहुत तीखा प्रतिरोध जो है वो जो सामाजिक न्याय की जो आदि भूमि है इस देश में, तमिलनाडु पेरियार की भूमि, वहाँ से इसका बहुत ज़बरदस्त विरोध आ रहा है। इवन उन्होंने अभी घोषणा भी कर दी कि तमिलनाडु में अब EWS का कोई सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, किसी को कोई EWS का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो तमिलनाडु ने पूरे देश को एक बार फिर से रास्ता दिखाया है। उत्तर भारत के जो बहुजन नेता हैं, जो OBC नेता हैं, उनको भी अपना कोर वोट बैंक जो है वो OBC या दलित जो या आदिवासी जो उनका कोर वोट है जिसकी वजह से उनकी पॉलिटिक्स है, मुझे लगता है कि उस पॉलिटिक्स को उनको पकड़ना चाहिए, उनके सवालों को पकड़ना चाहिए। बाकी जो आता है वो वोट अपने विभिन्न कारणों से आता है, तो उनको भी इस मुद्दे पर बात उठानी चाहिए। एक जानकारी आपको मैं और दे दूँ कि ये जो वीडियो है ये पब्लिक वीडियो है, इस पर मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है। कोई भी वेबसाइट अगर इसको इस्तेमाल करना चाहता है तो उसको इस्तेमाल कर सकता है। और इस समय लगभग 500 या उससे ज़्यादा लोग जो देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो शेयर बटन दबा दें एक बार,
ताकि वो उनके वॉल पर वो मौजूद रहे और लोग इसको बड़ी संख्या में फिर से देख सकें। आलोक यादव बता रहे हैं कि EWS का कट ऑफ OBC से तो कम है ही, SC ST से भी कम है। महेंद्र कुमार बता रहे हैं कि UPSC मनुवाद का अड्डा है। एडवोकेट विघ्नेश जी बता रहे हैं UPSC चोर है, सीटें तो वो चुरा रहा है विघ्नेश जी, ये तो मतलब। अर्जुन कुमार बता रहे हैं कि UPSC डकैत है, UPSC प्राप्तांक बताया है जितेंद्र पटेल बता रहे हैं। मेरे ख्याल से यही बुनियादी डिमांड हमारी इस समय UPSC से ट्रांसपेरेंसी की है कि आप साफ साफ बताओ कि आपने किसको सेलेक्ट किया और क्यों सेलेक्ट किया है। हम इससे आप मत डरिए कि आप कोई मतलब अगर आप घोटाला नहीं कर रहे हैं तो आपको कायदे से सबके नंबर बता देने चाहिए, और जो सेलेक्ट हुए हैं और जो रिजर्व लिस्ट हैं उनके नंबर तो आपको तत्काल डाल देने चाहिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप पर जो करप्शन का आरोप है वो एक वाजिब आरोप है। जब तक कि आप ट्रांसपेरेंसी नहीं बरतते हैं, आप RTI के सवालों का जवाब अगर नहीं देते हैं, जो दूसरे संवैधानिक संस्थाएं हैं SC आयोग OBC आयोग, इनके सवालों के जवाब अगर आप नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से आप शक के दायरे में हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये कोई नियम है 16(5), इसका कोई मतलब नहीं। ये नियम तो आपने बनाया है, आपने अपना अपने बनाए हुए नियम के आधार पर आप इसको कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा सवाल है। और इसके बाद हम आधे घंटे इस बात की कोशिश करेंगे कि UPSC स्कैंडल को, UPSC _ स्कैंडल, इसको हम ट्विटर पर भी ट्रेंड कराने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग उसमें भी शामिल हो। लेकिन आप लोग अगर किसी को भी मेरे मैंने जो कहा इस पर कोई संदेह है, कोई डाउट है, या किसी को लगता है कि जो मैं बता रहा हूँ इसमें फैक्ट की कोई गलती है, तो वो अगर मुझे पूछ ले तो इस समय मैं उसको रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा, या मैं खुद को करेक्ट करना भी चाहूँगा कि हो सकता है कि मैं जो बोल रहा हूँ गलत है। तो सॉल्यूशन बताएं, पूछ रहे हैं अंकित जी। सॉल्यूशन तो यही है कि जनता में जागृति आए और उनकी डिमांड खड़ी हो। रामचंद्र यादव जी कह रहे हैं छुपाने का मतलब ही घोटाला है। रोज मंसूरी प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि सभी OBC एक मंच पर आए वरना गुलामी तय है। नितिन कुमार कह रहे हैं UPSC महान नंबर बताओ। किसी को भी अगर कोई डाउट है, किसी को भी अगर लग रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसमें कोई फैक्ट के लेवल पर कोई गलती है जिसको कि मुझे करेक्ट करना चाहिए, तो वो बताएं। और अभी शेयर का बटन तो आप सब लोग दबा ही दें एक बार, और इसको रहने दें शेयर करके सब, ताकि ये पिछला वीडियो भी लाखों लोगों ने देखा है, तो मुझे लगता है कि ये UPSC का ये वीडियो भी लाखों लोग देखें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसको शेयर का बटन हर हाल में दबाएं। और इसको लेकर जिस तरह से बहुत बड़ी संख्या में मुझे धमकियां मिली, गाली गलौज मिल रही है, उससे उसकी कोई परवाह नहीं है। ये सब पार्ट ऑफ गेम है, मतलब पार्ट ऑफ मतलब चलता है, मतलब इससे कोई इस गंभीरता से उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर SC OBC के लोग अपने अधिकारों को लेकर सचेत हैं तो इन धमकियों का कोई खास मतलब नहीं है। तो किसी ने क्योंकि कोई डाउट नहीं किया है, तो मैं मान के चलूँ कि अभी तक हम लोग UPSC को लोग जो सवाल उठा रहे हैं, और उन्हें बहुत बेसिक सी डिमांड है, आपने रिजल्ट दिया नंबर बताओ, मतलब ये इतनी बुनियादी सी डिमांड, आपने जिनको सेलेक्ट किया उनका नंबर बताओ, इतना सिंपल डिमांड UPSC पूरा नहीं कर रहा है। और सफाई पर सफाई दिए जा रहा है, स्पष्टीकरण पर स्पष्टीकरण दिए जा रहा है, झूठ पर झूठ बोले जा रहा है कि SC OBC की भलाई के लिए हम ये कर रहे हैं। आपने इस बीच में भारतीय, एक बहुत बड़ा सवाल है कि भारतीय भाषाओं के कैंडिडेट्स को किनारे कर दिया, आपने हिंदी के कैंडिडेट्स चुने जाने बंद हो गए, बाकी भारतीय भाषाओं के कैंडिडेट चुने जाने बंद हो गए, क्योंकि आपने इंटरव्यू में उनको छांटना शुरू कर दिया। तो ये सारा मामला इस तरह से एक गंभीर मामला है, उसको आप शेयर करें। सुरेश जी कह रहे हैं आप अपना ख्याल रखना, कोई बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, ये एक बुनियादी सामाजिक प्रश्न है, कोई राजनीतिक प्रश्न है नहीं हमारी। इस मामले में कम से कम कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। BJP का भी कोई नेता अगर इस मामले में सामने आता है तो हम उसको भी सुनना चाहेंगे। लेकिन अब उत्तर भारत में मुझे लगता है कि दक्षिण भारत के बाद भी जागृति आएगी, और आप अपने नेताओं पर दबाव बनाएं कि इस सवाल को उठाएं। जो स्टेट रिजर्वेशन से बाहर है वो सीट से OBC को मिलता है, बहुजन समाज को गोलबंद होना होगा, विजय कुमार जी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये घोटाला अगर यहाँ पर नहीं रुकता है, UPSC एक तो UPSC का जो स्ट्रक्चर है वो भी बहुत अजीब है कि 11 लोग UPSC चलाते हैं और उसमें से कोई SC ST OBC का नहीं है, तो पता नहीं मोदी जी किस तरह के OBC हैं और किस तरह से OBC को एम्पावर कर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो ये आप लोग इसको शेयर करें, UPSC _ स्कैंडल हैशटैग को ट्विटर पर चलाएं,
और इस बारे में और जानकारी के लिए आप लगातार मुझसे जुड़े रहें। जो भी प्रश्न है आप इसके अंदर इसके क्वेश्चन अगर आप डाल दें तो इसको हम निश्चित रूप से अगली बार इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।